सर सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिम्स विजन यूएसए। थैंक यू। अच्छा, क्या कहना चाहोगे कहानी को लेकर और आपके किरदार को लेकर, जो कि हमने प्रेस मीट में सुन लिया कि आधे से ज़्यादा चीज़ें आप ही की डेवलप की हुई होगी, सो पहले तो बताना चाहेंगे कुछ क्या होगी कहानी? कहानी बहुत खूबसूरत है, हालांकि खूबसूरत मैं उस सेंस में कहूँगा कि आपको बहुत मसाला मिलने वाला है। अदरवाइज़ जिस हिसाब से जो स्टोरी है, जो टाइटल है, आई थिंक आज के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नथुतराई की रस्म होती थी पहले बिहार साइड में या यूपी साइड में, जहाँ पे ठाकुर अपने से नीचे लोगों का फ़ायदा उठाते थे, मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे ख़त्म हो गई हैं। कहीं अगर हैं तो आप लोग प्लीज़ मिल करके इस प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये कॉन्सेप्ट है और हम काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर लिए गए हैं। पूरी उम्मीद है कि शो बहुत अच्छा करने वाला है और इसके साथ दंगल चैनल को भी फ़ायदा होगा, और दंगल पे हमारे शो अगर हिट हो जाता है, अच्छा काम करता है, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। आपका किरदार किस तरह? बहुत पावरफुल है, बहुत दम है इस कैरेक्टर में और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको प्ले करने में। लास्ट मैंने इससे पहले नेगेटिव प्ले किया था, ये है मोहब्बतें का परम, और उसको भी करके मुझे बहुत मज़ा आया था, और ये उससे शायद एक कदम आगे है। आप देखेंगे एपिसोड तो आपको मालूम चलेगा और डेफिनेटली आप सब बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। अच्छा, ऑन स्क्रीन जो ठाकुरों में और थोड़ा सा एक जो ऊंच नीच है वो तो दिखी हमें, लेकिन ऑफ स्क्रीन किस तरह से टीम के साथ एसोसिएशन रहा? लेकिन बहुत अच्छा रहा है टीम के साथ में, सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ नए हैं, लेकिन नेचर वाइज सब अच्छे हैं। तो कोई भी शो नया शुरू होता है, अगर टीम अच्छी होती है तो आपको काम करने में मज़ा आता है, तो हमें काम करने में मज़ा आ रहा है। प्रोडक्शन बहुत अच्छा है हमारा और काफ़ी अच्छा इस समय कर भी रहा है शून्य स्क्वायर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर हम सब साथ में ही काम करेंगे आगे और बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, आप काफ़ी लंबे समय से टेलीविज़न पर काम करते आए, हमने हमेशा देखा आप अच्छे अच्छे शोज़ का हिस्सा भी रहे जी। पहले के वक्त में, पहले का जो दौर था, उस वक्त इतना कुछ टीआरपी का खेल नहीं हुआ करता था और शोज़ को काफ़ी टाइम मिलता था, स्क्रीन स्पेस मिलती थी जी। पर आजकल सब वीकली बेसिस पे हो गया है, मंथली बेसिस पे हो गया है कि लाइक ग्रैंड नहीं कर रहा है तो शट डाउन करने का डिसीजन ले लेते हैं। बीइंग एन एक्टर किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है अभी हर चैनल के बीच में, कि हर कोई चाहता है कि हमारा मटेरियल ज़्यादा बिके, वो लोग ज़्यादा पसंद करें, तो एक नंबर वन पे बने रहने की शायद होड़ सी है। हम शायद ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा लेकर आएँ और पब्लिक को दिखाते रहें, जिससे पब्लिक को कुछ नया देखने और सीखने को मिले। यहाँ पर रेस जो है वो नंबर वन बनने की है और आई थिंक इस वजह से शोज़ आ रहे हैं और बड़ी जल्दी जल्दी बंद हो जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि शो चाहे लंबा चले चाहे छोटा चले, हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं कि नहीं, हम अपना काम ईमानदारी से करें, और आप अगर देख रहे हैं तो आप अपना उतना ही प्यार दीजिए, चाहे शो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो कम चले या ज़्यादा चले। बिल्कुल एग्री करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आपके लुक को आपने कितना एंजॉय किया, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट आप? मैंने बहुत एंजॉय किया है लुक को, आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक मैं एकदम सोनों से जड़ा हुआ हूँ, अच्छे कपड़े, रेशमी कपड़े और पूरे ठाकुरों वाला लुक है, तो मुझे मज़ा आ रहा है। और जब आर्टिस्ट को काम करने में, अपना कैरेक्टर करने में मज़ा आता है ना, तो वो चीज़ नज़र आती है, फिर पब्लिक को भी मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, आप प्लीज़ देखिए। अच्छा, कोई स्पेशल प्रिपरेशन की आपने अपने किरदार को लेकर, लाइक लैंग्वेज पे या फिर अपने कुछ बॉडी लैंग्वेज पे, किसी भी चीज़? नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इलाहाबाद से हूँ और बिहार साइड की टोन पकड़नी है, तो मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था। और निगेटिव कैरेक्टर मैं कर ही रहा था, तो उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और एक नया रमेश ठाकुर खड़ा हो गया, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और आई होप फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ना हो। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, नथ बहुत ही कमाल का शो है, मेरी बातों पर विश्वास करिए और अपना पूरा प्यार दीजिए, अपना पूरा समय दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा शो बहुत बड़ा हिट होकर के निकलेगा और आप सबको मैं गारंटी देता हूँ बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।